नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कुछ और आज हम बात करेंगे गट बैक्टीरिया क्या होता है। गट क्या होता है? देखो, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको गट बोल देते हैं, जो कि मुंह से चालू होता है, फिर यहाँ पे खाने की जो नली होती है और फिर अंदर जाकर ये पेट होता है, पेट के बाद में आंतें होती है, ये पूरा मिला करके हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, इसको गट बोल देते हैं। और कई बार लोग गट सिर्फ आंतों आंतों को भी बोल देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो छोटी आंत बड़ी आंत इसको मिला करके भी कई बार लोग गट बोल देते हैं। हमारे जो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो पूरे यहाँ से मुंह से लेकर के जो खाने की नली चल रही है और पूरे हमारे आंतों तक जा रही है, पूरा आंतें मिला करके, इसके अंदर क्या है कि बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें बोलते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें गट बैक्टीरिया कहा जाता है, उन्हें गट फ्लोरा भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी संख्या ऐसा अंदाजा लगाया गया कि इनकी संख्या मतलब एक के आगे 14 बार 0 लगा दो, इतनी इनकी संख्या होती है, मतलब 10^14, 10^14, मतलब एक लिखो और इसके आगे 14 बार 0 लगा दो, इतनी इनकी संख्या होती है। 1 करोड़ का मतलब होता है कि एक के आगे 7 बार 0 लगा दो, तो समझ लो 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना कर दोगे ना, इतनी इनकी संख्या होती है, ऐसा अंदाजा लगाया है विज्ञान ने। और इनकी संख्या हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, जितने सेल हैं, उनकी 100 गुना है, मतलब उनसे भी इतनी ज्यादा है, ऐसा भी विज्ञान ने अंदाजा लगा लिया। 2 तरीके के हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, मतलब हमारे जो गट है इसमें गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया और खराब बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है इनका हमारी सेहत से बहुत लेना देना है, इन बैक्टीरिया का हमारी सेहत पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हम चाहते हैं कि जो गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया, वो हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा हों और जो खराब बैक्टीरिया वो कम से कम हो। अगर हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो हमारी सेहत अच्छी होने की तरफ जाती है, और खराब बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो हमारी सेहत खराब होने की तरफ जाती है। ये जो बैक्टीरिया है, ये हम जो खाते हैं उस पे ये बैक्टीरिया पनपते हैं, मतलब उस पे ये जिंदा भी रहते हैं, उस पे उससे इनकी संख्या बढ़ती भी है हम जो खाते हैं उससे। जैसे मान लो किसी इंसान ने शाकाहारी खाना खाना चालू किया और पहले वो मांस खाता था, तो जब वो मांस खाता था उसके शरीर में खराब बैक्टीरिया पनप चुके थे, क्योंकि वो जो मांस और अंडे खाता था वो उसको पचाने के लिए खराब बैक्टीरिया चाहिए, जिसका सेहत के लिए खराब असर हो सकता है। वो जब वो मांस और अंडे खाता था तो उन पे जो बैक्टीरिया जिंदा रहते थे उस खाने पे, वो उस खाने पे जिंदा रह रहे थे और वो उस शरीर, वो बैड बैक्टीरिया थे तो वो शरीर को नुकसान कर रहे थे। पर जैसे ही इस आदमी ने मांस खाना बंद किया और शाकाहारी खाना चालू कर दिया तो ये जो खराब बैक्टीरिया पहले से पनपे हुए थे, इनको जिस खाने पे जिंदा थे वो खाना नहीं मिल रहा, और जो शाकाहारी खाना है उस पे जो अच्छे बैक्टीरिया पनपते हैं वो धीरे धीरे पनपने चालू हो गए, क्योंकि ये शाकाहारी खाना, ये जो अच्छे बैक्टीरिया इनका खाना है, तो ये धीरे 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 वो बैक्टीरिया पनपने लगे जो अच्छे हैं, और जो खराब थे पहले, जो कि मांस अंडों के कारण पनपे हुए थे, वो धीरे 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 खत्म होने लग गए। तो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ने लगे, खराब बैक्टीरिया खत्म होने लगे, तो हमारी सेहत अच्छी होने लगी। हमने नॉन वेज खाना छोड़ा, मांस अंडे खाना छोड़ा और शाकाहारी खाना चालू किया, तो हमारी सेहत अच्छी होने लगी इस तरीके से। जैसे ये असर जो आपके शरीर के अंदर, ये जो आपके खाने की जो नली है, जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसके अंदर जो ये असर है आपके आंतों के अंदर, पेट के अंदर, इस नली के अंदर, ये असर कुछ दिनों में ही दिखने, मतलब होने लग जाए, आपको तो कहीं दिखेंगे नहीं बैक्टीरिया, पर वो कुछ दिनों में हो जाएगा, 4-5 दिनों में ही हो जाएगा। और फिर धीरे 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 धीरे, जैसे आप शाकाहारी खाते जाते हो, मांसाहारी खाना बन गया, तो धीरे 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 कुछ हफ्तों में बैड बैक्टीरिया धीरे धीरे और ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे और अच्छे बैक्टीरिया धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हो जो कि खराब बैक्टीरिया को बढ़ा रही है आपके शरीर में, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए खराब चीज़ है, अनहेल्दी है। और अगर कोई ऐसी चीज़ खाते हो जो हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है, तो हम कह सकते हैं ये हमारे शरीर के लिए सेहतमंद है, हेल्दी है। अगर आप कोई एक चीज़ खाते हो खाने की और आपके शरीर में उसे पचाने के बैक्टीरिया नहीं है, तो अगर आप कुछ दिन उस चीज़ को लगातार खाते जाओगे तो आपका शरीर में वो बैक्टीरिया पनपने लग जाएंगे, वो बैक्टीरिया पैदा होने लग जाएंगे, जिससे जो कि उस खाने को पचाने के लिए चाहिए,
क्योंकि आप रोज वो चीज खा रहे हो तो आपके शरीर को समझ आता है कि अब इसे बचाने की जरूरत है, तो वो बैक्टीरिया पैदा होने लग जाते हैं वहां पे। फिर वो बैक्टीरिया जितने जरूरी है उतने होते हैं और फिर वो उस खाने को बचाने लग जाते हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हो, कोई कई बार होता है कि आपको एक नई तरीके की चीज़ आपने पहली बार खाई आपको पची नहीं, आपने कई बार खाई आपको धीरे धीरे पची नहीं, मतलब आपको पची नहीं और फिर धीरे 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 पचने लग गई, तो वो बैक्टीरिया जो उसको पचाने के लिए चाहिए वो धीरे 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 आपके शरीर के अंदर पनपने लग जाते हैं। कुछ ही दिनों में हो जाता है ऐसा, और फिर धीरे 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 जैसे आप खाते जाते हो तो कुछ हफ्तों में वो जितने चाहिए उतने तक पहुँच जाएंगे, जितने वो बैक्टीरिया आपके शरीर में होने चलते तक पहुंचेंगे। तो ये बताना चाहता था गट बैक्टीरिया क्या होता है, गट फ्लोरा भी कहते हैं इसे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, नमस्कार।